आप सभी को पता है कि भाई हमने जो है टोयोटा कैमरी ले ली है और इसका जो है आज हम माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। हमारा माइलेज टेस्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, बेंगलोर से। हम कहाँ जा रहे हैं, रोहतक, जो कि है 2200 किलोमीटर। तो पूरी जर्नी जो है आप सबको हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और शुरू करते हैं वीडियो। पैसे बंदे लगाते हैं ना तो फिर वो सोचते हैं यार हम बड़ा नाम ले लें, बड़ा नाम बोले तो BMW, मर्सिडीज, ऑडी। कौन कह देगा, कल डिलीवरी ले रखी इस गाड़ी की हमने, थू और थू, ये इतना थू थू इसलिए कि भाई गाड़ी इतनी। जो अपना नंबर है वो भी आ गया है T0624118C, ठीक है 400 मिले। तो वैसे भी टेम्परेरी नंबर है, वहाँ रोहतक तक जाएंगे ना तो अपने को कोई पुलिस वाला नहीं बोलेगा, आगे रोहतक जाके बनवा लेंगे बढ़िया वाली। हेलो दोस्तों, स्वागत है भी आपका एक और नई वीडियो में। आप सभी को पता है भाई, लास्ट व्लॉग आपने PDI वाला देख लिया होगा भाई, हमने गाड़ी की पूरी बिहाइंड द सीन एक तरह से डिलीवरी वाले, उससे पहले आपने डिलीवरी वाला व्लॉग देख लिया होगा। आज हम जा रहे हैं भाई अपने घर पे जो कि है रोहतक। कल जो हम बेंगलोर में है भाई, हमने गाड़ी की जितनी भी रजिस्ट्रेशन वगैरह थी, ये जो भी था ये सारा काम हमने करवा लिया था एक तरह से, जो गाड़ी का था, चाहे इंश्योरेंस हो गया, RTO हो गया, जो सब कुछ था। नंबर हम अपनी फाइल वहाँ जमा करवा लेंगे। तो गाड़ी जो हमें मिली थी ना 18 किलोमीटर चली हुई मिली थी, हमने 81 किलोमीटर चला ली है, 662 के आसपास की कुछ रेंज आई थी, 637 हो रखी है। अब यहाँ से हमारी जो जर्नी है ना, मतलब मैं अगर यहाँ से अपना घर लगाता हूँ तो फिलहाल जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो यहाँ से घर है ना वो 2186 किलोमीटर है। तो हम इस कैमरी में जाने वाले हैं भाई, अपनी एक ही नई दुल्हन जो है हमारी, नंबर जिसका लग चुका है पीला कलर का, यहाँ पे पता नहीं सब येलो येलो, अपने वहाँ वाइट है। येलो की पहचान वैसे टैक्सी होती है और ये टैक्सी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कमेंट्स में बिल्कुल भी किसी ने बोल दिया तो ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो यहाँ से 2186 किलोमीटर है, एक दिन 14 घंटे बता रहा है। हम सोच रहे हैं शायद एक बीच में स्टे भी लेंगे, और रूट हम जाने वाले हैं अब की बार पुणे वाले से, पुणे, गुजरात, वडोदरा, सब जयपुर होते हुए, ठीक है। फिलहाल थोड़ी बहुत हमने गाड़ी चला ली थी, मतलब तो भाई देखो अब चलाइए भाई, तो चलाएंगे अभी, तो ना मैंने उस टाइम पे जीरो नहीं करा क्योंकि लेती थोड़ी ना माइलेज देख लूँगा, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे वैसे जीरो कर दिया था जब मैं यहाँ से निकला था, उसके बाद अभी तक मेरे को दे रही है 15.5 की जो दिखा रही है। अब जो है ना इसका प्रॉपर में ट्रिप जो है, इसका ट्रिप है यहाँ पे, ठीक है। फिर बिजली पे आ गई, ठीक है। अब ऑडोमीटर जो है 63 दिखा रहा है, तो मैं इस ट्रिप को जो है ज़ीरो कर देता हूँ, ट्रिप बी को भी जो है मैं ज़ीरो कर देता हूँ, और अब चलेंगे हम यहाँ से। और मैं इसको माइलेज वाले को भी जो है ज़ीरो कर दिया मैंने ये, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई अपनी गाड़ी को लेके सीधा रोहतक अपने घर पे फाइनली, ठीक है। 2 दिन का हमारा एक शॉर्ट ट्रिप हो गया था, फ्लाइट से आए थे, और अब बाय रोड जो है हम जाने वाले हैं इस गाड़ी से वापस अपने घर। A few moments later. यहाँ से हम जा रहे हैं अपना पुणे, पुणे यहाँ से 846 किलोमीटर। अब मैं अपनी गाड़ी वाला फास्टैग लेके आया था, पता नहीं वो अभी भी नहीं चल रहा है, जो मेरी वर्टस में पता नहीं क्या इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर रखा है वो, राम जाने। तो अब दिखा देते हैं बस, और फिलहाल चल चुके हैं यहाँ से 846 किलोमीटर दिखा रहा है पुणे जो है। थू और थू, ये इतना थू थू इसलिए कि भाई गाड़ी इतनी बढ़िया है, थू मतलब यूँ मान लो भाई। अभी फिलहाल है ना, मतलब हमने ऑलमोस्ट 361 किलोमीटर मीटर दिखा रहा है, 18 किलोमीटर हमने चला रखी थी, मोटा मोटा 350 मान के चल लो हमने चला लिया गाड़ी। पुणे जो है अभी यहाँ से 564 किलोमीटर रहता है, और भाई अभी मतलब गाड़ी अभी हाफ टैंक से भी थोड़ी उसी साइड है, मतलब ठीक है। और हम जो है 110-120 ऐसे आ रहा था मैं, अब 95 पे क्रूज लगाया हमने, और फिलहाल गाड़ी मतलब 19-20 की ही आसपास में माइलेज देने लग रही है, जो उसमें मीटर में दिखा रहा है। बीच में 21.5 भी चल रहा था, फिर वही बात है यार, माइलेज निकालने के चक्कर में घर भी तो पहुंचना है भाई। अभी मैं शिफ्ट होया था, मतलब अभी 10 मिनट पहले ही यहाँ पे इस साइड, तो मैं परख रहा था कि कैसे क्या कुछ है साहब, जो फील वहाँ पे ना वही फील यहाँ पे है, मतलब मज़ा आ रहा है भाई। एक तो यही नहीं पता चल रहा कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद है, अभी ईवी पे चल रही थी गाड़ी, ब्रेक मारती जैसे ईवी पे हो जाती है। ईवी के बाद तो यूँ मान लो कि बस वही है। अब जैसे वेंटिलेटेड सीट्स है ना, ये हमने 1 पे कर रखे हैं, ये 3 पे करने के बाद ना थोड़ी आवाज़ करते हैं एक तरह से, मतलब नेगेटिव, वही बात है ना, हर पॉजिटिव नहीं होती, तो वही बात है, हम जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही बता देता हूँ मैं। तो इसी की आवाज़ आती है बस AC के, उसकी हल्की फुल्की, नहीं तो गाड़ी में आवाज़ ही नहीं है। मतलब अगर शांत है ना गाड़ी, कोई बोल नहीं रहा तो कुछ पता नहीं चलेगा उसमें, वही। अब जैसे मेरे को ना, अभी जब मैं चला रहा था मेरे को पर्सनल क्या लगा, जैसे वर्टस में मेरा क्रूज कंट्रोल इस साइड लगता है, लेफ्ट वाले स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल में, तो बार बार से ना मेरे से वो क्रूज वो हो रहा था कैंसिल, बस एक वो थोड़ा है। बाकी गाड़ी में भाई मज़ा है नेक्स्ट लेवल, और फुटेज तो है भाई, मतलब
कैमरी बहुत कम लेते हैं ना लोग, जिसको ज्ञान है थोड़ा या थोड़े मैच्योर तरीके से प्रैक्टिकल बात करें तो उस हिसाब से बहुत कम है गाड़ियाँ। क्योंकि वही बात है यार, जब इतने पैसे बंदे लगाते हैं ना तो फिर वो सोचते हैं यार हम बड़ा नाम ले लें, बड़ा नाम बोले तो BMW, मर्सिडीज, ऑडी, तो समझ रहे हो आप। तो बंदा ना ये सोचता है जब 50 लगा रहा हूँ तो मैं 60 लगा के क्यों ना वही ले लूँ, ये बात है। तो हमने वो काम करा नहीं क्योंकि हमें बड़े नाम की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम खुद हैं। हमारा जो है गाड़ी प्रैक्टिकल होनी चाहिए एक तरह से, मतलब गाड़ी जितने हम पैसे दे रहे हैं ना उतने की वैल्यू होनी चाहिए, और जितने की हमने ली है ना वो उतनी ही इसकी कीमत है एक्चुअल में बता दूँ तो। यही है फिलहाल, चलते हैं भाई। फिलहाल बस ऐसी ऐसी रोडें हैं, दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था तो बस ऐसे ही हल्का फुल्का भी हमने रास्ते से हमने जो है 7 अप ले लिए। यहाँ पे बहुत मुश्किल से एक हमने शहर के अंदर जाना पड़ रहा था ये इसके लिए, और हमने यहाँ पे जो है ये देखो एक टावल रख लिया, क्योंकि ये चीज़ है ना सबसे जल्दी गंदी होती है, तो हमने एक टावल रख लिया मैचिंग देख रहे हो पूरा। फ्यूचर में भी ना मतलब हम एक तरह से जो है मैचिंग ही रखेंगे, मतलब ये टावल है ना इससे फिर वो सीट गंदी नहीं होगी, क्योंकि इसका कलर ऐसा ही है यार इंटीरियर का। बाकी नंबर प्लेट यहाँ पे है, ठीक है। हम इको मोड पे गाड़ी को जो है फिलहाल चलाने लग रहे हैं, 447 की रेंज है। चलो कुछ ताज़ा आता है तो आपको दिखाते हैं, अभी नॉन स्टॉप ही चल रहे हैं। देख लो 4 बजे निकले थे, फिलहाल जो है शाम के 8:30 हो रखे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ अगर यहाँ पे लोगों को भूख लगे तो वो मतलब जैसे लोगों को मतलब जो हाईवे पे चल रहे हैं तो कैसे खाएं भाई, मतलब ढाबे ही नहीं है भाई, और जो है ना वो ऐसे नहीं है कि मतलब हम वहाँ पे जाके खाना खा सकते, मतलब समझ रहे हो थोड़ा उस तरीके से हाइजीनिक तरीके से हर मामले से, तो पता ही नहीं भाई। अपने हरियाणा पंजाब में इतनी देर में तो इतने ढाबे हवेली सब दिख जाता है, यहाँ कुछ भी वो हिसाब किताब नहीं है। ये एक स्टॉप तो हमारा बीच में रहने वाला है, अब ये मतलब गुजरात होएगा एक स्टॉप, मतलब एक स्टेज जो है, या फिर अपना महाराष्ट्र में होगा या फिर अपना राजस्थान में होगा, जो भी होगा वो देखेंगे। और शायद मंदा बंदी नहीं गाइस, चप्पल बेस्ट है, सबसे कंफर्टेबल। हम तो शिफ्ट हो रहे हैं अब सीधा चप्पलों में, बाकी स्पेस चेक कर लो गाइस। तो ना ही पेड़ का बहुत तगड़ा जुगाड़ ले रखा है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट माल है। ये देखो ये इतना टाइट हो जाता है, मतलब ये कप होल्डर में फिक्स हो जाता है, और ये आईपैड ऐसे पीछे से इसमें लग के यूँ फिट हो जाता है, चाहे फिर गाड़ी कितनी ऐसे हिल जाए हिलता नहीं है। और ये भाई हमने नेटफ्लिक्स पे मूवी डाउनलोड कर रखी थी, और वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता भाई ड्राइविंग के टाइम बिल्कुल भी, मतलब ऐसे बस ये मूवी हमने कई बार देख रखी थी जस्ट, क्योंकि एक टाइम ऐसा हो जाता है भाई गानों से भी बोर हो जाता है बंदा, और बिना कुछ सुने या कोई आवाज़ हुए हम मतलब गाड़ी नहीं चला सकते। फिलहाल 280 की रेंज रह चुकी है, 564 टोटल किलोमीटर चली है गाड़ी, और ठीक है यार अभी हाफ टैंक में 550+ चल चुकी है ये, तो अभी उम्मीद है। और बाकी जो हमारा वो है ना ये 360 किलोमीटर रह गए, अब आपको हो गया कि इसमें तो अब आपको जब टोयोटा वालों ने ये दे दिया एंड्रॉयड और टेबल कार पर, फिर आप फोन में हमने एक तो इसका जो इनबिल्ट है ना वो लगा रखा है उसमें मैप, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, मेरे को आईपैड भी चार्ज करना था, और मैंने आईपैड का जो ब्लूटूथ है ना वो इस गाड़ी के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो एक टाइम पे जो है ना हम एप्पल कारप्ले और मतलब ये चीज़ और ये एक साथ नहीं कर सकते, और ये एप्पल कारप्ले में नहीं आता। ये देखो ये जो है ना अब ऑडियो पे जाओगे सोर्स, तो ये ब्लूटूथ आता है, और जैसे ही मैं मतलब जैसे इसको जैसे ब्लूटूथ से कर रखा है तो ये USB की जगह iPod आ जाता है, एप्पल कारप्ले नहीं आता, तो एक ये थोड़ा सेट लाइफ है, नहीं तो यार मज़ा आ जाता है एप्पल कारप्ले भी आईपैड से चल जाता। अब मेरा मेन मोटिव वीडियो शुरू करने का ये है, फॉर्चुनर में ना यहाँ पे लाइट दे रखी थी बट येलो कलर की थी, अब देखना मैं फिलहाल एक बार ये फ्लैश बंद करके आपको थ्रो दिखाता हूँ इस लाइट का। ये मैंने कर दिया इस साइड, ये देखो फिलहाल कितना फ़र्क आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा है भाई। अब पता नहीं कैमरे में इतना कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, पर ये तो मेरा व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा जुगाड़ हो चुका है रे बाबा। मतलब एक ये ऑन कर दो, थोड़ी सी फ्लैश ऑन कर दो, लाइटिंग की दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगी। तो यही है फिलहाल, चलते हैं भाई, चले जा रहे हैं यार, कहीं कुछ है ही नहीं, मतलब मैं बताऊँ आपको दिखाने का कुछ है ही नहीं,
बिल्कुल सुनसान ऐसे ऐसे रोड हैं, मतलब ट्रक चल रहे हैं दूर दूर में, पर वही बात थोड़ा सुनसान से रास्ता है। बाकी बस गाड़ी को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रात के कितने 12:01 हो रखी हैं। बाकी मेरी फ़ोटो कैसी लग रही है गाइस कमेंट्स में बता देना, ठीक है। कैंडिड थी फिर मैंने चलो डाल दी, मैंने अपने आशीष भाई ने ली थी ये फोटो, अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू। फिलहाल अब थोड़ी सी जो मान लो रोशनी आ चुकी है एक तरह से, सुबह के जो है 6:30 हो रखे हैं। और फिलहाल एक बार मौसम देखो क्या क्या मस्त मौसम हो रखा है भाई, क्या मस्त मौसम हो रखा है। और ये मस्त अपनी गाड़ी हो रखी है, गाड़ी की हालत देखो भाई, पूरा मेकअप कर दिया हमने गाड़ी का। फोन कह दे कल डिलीवरी ले रखी इस गाड़ी की हमने, क्या हाल हो रखा है। बाकी ठीक है, अब यहाँ से ना मतलब 50 किलोमीटर बाद जो है पुणे शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम आ चुके हैं पुणे से, तो पुणे क्रॉस कर दिया हमने ऑलमोस्ट, और हम आ चुके हैं वेलकम टू यशवंतराव चवन एक्सप्रेसवे। इस पे भाई मैं 2 साल पहले भी शायद आया था, जब हम पुणे से जो है मुंबई जा रहे थे, मतलब जब मैं गोवा से जो है अपने घर जाने लग रहा था। और बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो उसको माइंड मत करना। मुंबई 131 किलोमीटर, पनवेल 91, लोनावला 40 किलोमीटर, तो ये सब कुछ आएगा रास्ते में। और भाई मतलब पुणे की बिल्डिंग भाई, मतलब जो स्ट्रक्चर है ना, डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल, मज़ा आ गया। बाकी भाई फिलहाल जो है यहाँ से वडोदरा रह चुका है, वडोदरा लगा रखा है मैंने 521, और हम मुंबई बाय मुंबई होते हुए जा रहे हैं, बाईपास होएंगे, सबसे सही रास्ता भाई था, तो सही है भाई। बारी बारी चला रहे हैं, रुकने का मेरे ख्याल से कोई प्लान बनेगा नहीं भाई, क्योंकि पहले भी जगह मिली नहीं जब रुकने का टाइम था, फिर हमने मतलब सो वो के मतलब बारी बारी चला के, हम दो हैं वैसे, हम मतलब बता रहा था हमने फैमिली वालों के साथ आ रखा है डिलीवरी लेने, तो वो सब गाड़ी में ही सब पीछे सो रहे हैं। Few moments later. ये फूड कोर्ट में थे भाई, यहीं पे सब कुछ खा पी लिया है। और फिलहाल सुबह के कितने 10:12 हो रखी हैं, तो सुबह सुबह कर दिया भाई KFC का काम, ठीक है। KFC वाले ने सुबह सुबह ऐसे ऐसे हमको कर दिया। भाई फिलहाल जो है डिलीवरी वाले व्लॉग की एडिटिंग चल रही है, और हम देख लो यहाँ से ही नहीं निकल पा रहे हैं अभी भी। ये थाने करके जगह है भाई, वहाँ से हम निकल रहे हैं, और यहाँ से भी अपना जो घर है ना 1424 किलोमीटर है, जबकि मुंबई में ही है। बताओ अभी हम हैं फिलहाल मुलुंड वेस्ट में, और अभी ये थाने आएगा, उसके बाद ये देखो +41 ये लाल 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 रखा है। फिर हम जाएंगे दमन और दीव, ये वापी करके जो जगह है, यहाँ से सूरत से फिर अपना वडोदरा अहमदाबाद, फिर जयपुर NH 152 पकड़ेंगे और सीधा अपना रोहतक आ जाएंगे। मतलब कितना हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं गाड़ी में, सुबह कहाँ थे, रात में कहाँ थे, कल शाम को कहाँ थे, अब कहाँ हैं, कल आज रात को कहाँ होंगे, कल सुबह कहाँ होंगे, दोपहर को कहाँ होंगे, ठीक है। बाकी इसकी 1070 फर्स्ट सर्विस ड्यू हो चुकी है, तो वो हमने टोयोटा में बात बूत कर लिया भाई, वो हम अपनी रोहतक जाके आराम से, जो इतनी गंदी गाड़ी हो रखी है ना
वहीं खड़ी कर देंगे, उसके बाद जो हम इसमें आगे का काम है वो करवाएंगे। और मैट नहीं है तो हमने फिलहाल जो है इसमें मैट नहीं है तो हमने न्यूज़पेपर बिछा रखे हैं भाई आराम से, और चल रहे हैं भाई। ट्रैफिक हो तो मुंबई जैसा हो, वरना हो ही ना भाई, मतलब अपने तो बस की है नहीं भाई यहाँ पे डेली ऐसे हिसाब किताब में चलने की। ऊपर से इतनी बारिश होती है भाई यहाँ पे। घूमने का थोड़ा बहुत मन बना रहे थे कि मुंबई रुक जाते हैं, पर नहीं, इतना मन हमारा ख़त्म हो गया इतनी भीड़ देख के। तो ठीक है, मेरे भी सांस चढ़ेगी इतनी ट्रैफिक में से निकलने की। मेरे तो यार ना नींद, मतलब वही बात है, मेरे को भी एडिटिंग करनी है क्योंकि मैंने अभी स्टोरी तो डाल दी, 3 बजे वीडियो डलनी है और 12 बज चुके हैं, तो मेरे को बहुत जल्दी से एडिट करनी पड़ेगी वीडियो और फिर अपलोडिंग भी करनी है अपने फ़ोन के डाटा से। अब फ़ोन का कैसा चलेगा वो राम जाने। तो फिलहाल थोड़ा सा मैं काम कर लूँ, थोड़ा अपना पैसा कमा लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 2000 years later भाई मुंबई से तो निकल गए थे, मतलब महाराष्ट्र, मतलब जो थाने जो भी था। अब ये वाली जगह, ये चिंचोटी जो है ना, हमने क्रॉस करा और पिछले 1 से 1.5 घंटे से हम जाम में फंस रखे हैं। बारिश भी आ रही है और ये देखो आगे ट्रक ही पलट रखा है। अब वही बात है भाई, कैमरी एक तो नीचे, ऊपर से हम ऐसी ऐसी उसमें से लेके जा रहे हैं। एक तरह से ये जो हमारी डिलीवरी वाली पूरी सीरीज है ना, हमारा ये जो ट्रिप जो है, इसमें हमने पूरी गाड़ी की हमने ना टेस्टिंग कर ली कि कितने हद तक ये ब्रेकर पे से जा सकती है। और ये देखो DRL ऑटो की उसमें कितनी मस्त लग रही है, और गाड़ी अपनी ना बहुत साफ़ है फिलहाल, इतनी साफ तो मतलब बस ज़िंदगी भर रही तो अच्छा है। बाकी ये देखो वाइपर चलाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो गाइस, मैं भी अब टाइटल लिख दूँ क्या, ट्रिप के बीच में हुआ एक्सीडेंट। ये देखो गुजरात नंबर ट्रक था, क्या हो रखा बेचारे का। बहुत बारिश है और अपना घर यहाँ से रहेगा 1392। भाई फिलहाल आप काफी देर बाद देख रहे होगे मेरे को, फिलहाल मैं उदयपुर आ चुका हूँ और गाड़ी देख लो गाइस, ठीक है। और शक्ल वक्ल पे मत जाना भाई, बहुत अच्छे घर से हूँ, बस नहा नहीं रखा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल भाई उदयपुर पहुँच चुके हैं और वहाँ का जो जाम था ना महाराष्ट्र का, उससे हम 4-5 घंटों में निफराम हुए थे और बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं उदयपुर। यहाँ से जो है 800 किलोमीटर रह चुका है। बाकी गाड़ी की कंडीशन देख लो, गाड़ी बिल्कुल गंदी, कहते ना कितनी गंदी हो रखी है भाई गाड़ी। तो फिलहाल मैं सही बता दूँ, मैं सो रहा था, बीच में सो गया था तो मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना पाया। 19 की तो अभी तक इसने माइलेज दी है, जब हम डीलरशिप पे हमने ज़ीरो करा था, अब हमने वापस फ्यूल डलवाया था, 588 की रेंज है। टोटल गाड़ी चल चुकी है 1767 और रीसेट हमने वहाँ पे करा था, उसके बाद चल चुकी है 1685। 723 किलोमीटर जो है हमारा घर रहेगा। अभी तेल कितने का डला था इसमें लास्ट, 3900 का तेल डला था। 2000 years later फिलहाल अब ये नेक्स्ट डे और हम घर आ चुके हैं, अपनी नींद पूरी कर चुके हैं। और सबसे पहली परंपरा होती है तिलक की, वो शेल की, वो जो है आपने मतलब इंडियन जो एक वो होते हैं ना, मतलब एक तरह से एक स्वागत होता है, वो हमने कर दिया गाड़ी के घर में। और उससे अगला क्या काम होता है जो कि मेरे को घर आते ही करना था, कि जो इसके ये प्लास्टिक है ना ये उतारना है। अब कई बंदे यूँ करते हैं कि यार इसको ना बहुत मतलब रखते हैं लंबे टाइम के लिए। एक तो इससे में ना गर्मी बहुत है, मतलब गर्मी बनती है ऊपर से, इतनी गर्मी वैसे ही है बाहर, हम जैसे ही बैठते हैं ना हमारे कपड़े चिपकते हैं इससे, और वो उसमें यार फिर मज़ा सा नहीं आता। तो सबसे पहला काम, मैंने जितनी भी गाड़ी में ये सब प्लास्टिक व्लास्टिक था सब उतारेंगे इसमें से, और गाड़ी को फिर नई वाली फील आएगी उसमें, नई वाली फील इसमें रहती है, पर ये शोरूम से घर तक ही ठीक है, उसके बाद इसको उतार दो तो बढ़िया है। बाकी सबका पर्सनल है भाई, आपको इसमें कमेंट मत करना, मेरे को तो मतलब ये पसंद नहीं है पर्सनली, इसलिए उसको उतारेंगे। और फिर गाड़ी में मैट्स का बड़ा पंगा चल रहा है, तो मैट्स अभी मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ, मैट्स अरेंज हो जाएँ, क्योंकि कंपनी वाले जो मैट्स हैं वो मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो है ना है एक ही बात है। और जो उनसे मेरे को लगवाने थे वो फ़िलहाल कैमरी के बना नहीं रही है, और ना ही इसमें मड फ्लैप आ रहे हैं, मड फ्लैप कंपनी नहीं बनाती, और मड फ्लैप की ऐसी गंदी आदत है भाई, गाड़ी मतलब ब्लैक गाड़ी वैसे है वो,
बारिश का मौसम वैसे चल रहा है, धोते ही ऐसी हो जाती है यार। अभी तो धोई थी, अब क्या हो गया, ये धुली नहीं हो, जैसे नई गाड़ी वाली फील ही नहीं आ रही। तो बहुत सैड लाइफ चल रही है गाइस, खुश लाइफ भी बहुत है, पर अब जो इसके नेगेटिव्स हैं वो हैं तो हैं। टोयोटा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ इस पर ध्यान दो, ये एक तरह से कस्टमर फीडबैक मान लो, चाहे मीठा मीठा प्यार मान लो। ओके, ਲਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਆਏ ਵੇ ਤੇ ਉੱਡਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਤਾਂ ਇੰਜਣੇ ਆਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ ਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕਰਦਾ ਨੀ ਸੀਨੇ ਉੱਡੀ ਡਾਰਦਾ ਨੀ ਟੈਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਕਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਵੇਰ। भाई फिलहाल अभी ये कुछ दिन बाद है, वीडियो वापस से मैं एंड करना भूल गया था भाई। मैं यही पता नहीं कैसे मेरे को इस सिचुएशन में हमेशा पीछे हो जाता हूँ, अपनी वीडियो जो मैं एंड करना भूल गया था भाई। फिलहाल जो है गाड़ी के चला रहे हैं, मन ही नहीं भरा। फिलहाल बारिश का मौसम हो रखा है ना अपने यहाँ हर जगह, तो दिक्कत क्या हो रही है यार, जो इसके फ्लोर मैट्स थे ना वो मेरे को कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं, मतलब अखबार लगा के गाड़ी चलाना पड़ रहा है। और मतलब वही बात है यार, नीचे कारपेट गंदा हो जाता है, और बारिश के मौसम में है ना फिर गाड़ी वही बात है, मेरे को घर पे ही खड़ी रखनी पड़ रही है, मतलब बाहर में लेके नहीं जा पा रहा, क्योंकि बाहर जाएंगे पैर गंदे होंगे, फिर वही पैर इस पे लगेंगे। तो दिक्कत वही आ रही है कि बार बार एक तरह से जो हमें मैट्स बार बार मतलब एक तरह से अखबार बदलने पड़ रहे हैं, तो और ये मैट्स हैं ना मतलब जो फ्लोर मैट हैं कहीं पर भी अरेंज नहीं हो रहे हैं, और जो अरेंज हो रहे हैं ना भाई उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब मैं उसको ऐसे रख के चला पाऊँ। तो बस अगर किसी के पास भी भाई अच्छी क्वालिटी वाले मैट्स हो ना, मतलब जैसे GFX के आते हैं, वो वाले कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं इस गाड़ी के, मेरे को ब्लैक कलर में चाहिए। तो अगर प्लीज़ किसी के पास हो तो भाई इंस्टाग्राम पे जो है मेरे को DM कर देना भाई, मतलब फिर बातचीत करके आगे हूँ, पर हो अच्छी क्वालिटी के तो ही DM करना भाई, यूँ मत बताना भाई आप वहाँ कर लो वो देख लो, फिर देखो टाइम पास वाली बात है भाई, कोई जेन्युइन होना वही प्लीज़ मेरे पास मैसेज करना। बाकी आपने देख ही लिया भाई, फिलहाल जो है हमने पूरी बेंगलोर से यहाँ तक आ गए हैं, और रिएक्शन भाई यहाँ पे आके बड़े नेक्स्ट लेवल मिल रहे हैं, क्योंकि रोहतक में कैमरी वैसे ही नहीं है इतनी, तो मतलब वही यार ये कौन सी गाड़ी है कौन सी है, मतलब वही बात है, ये थोड़ी मिनी लेक्सस टाइप दिखती है, मतलब जिसको वैसे तो बहुत डिफरेंस है गाड़ी में, पर जब अगर हम ध्यान से देखते ना तो मतलब जिसको थोड़ा ज्ञान कम है तो वो लेक्सस ही समझ रहा है भाई। चलो ये भी बढ़िया बात है भाई, मतलब ठीक है मेरे, मैं तो मतलब सेटिस्फाई हूँ भाई अभी तक जो है गाड़ी से। और बाकी इसके भी वीडियोस जो हैं रेगुलर आनी शुरू होंगी भाई, फर्स्ट सर्विस जो है वो भी हमें करवानी है इसकी, वो आप अब कल वाली वीडियो में देखना फर्स्ट सर्विस में क्या कुछ जो है इसका एक्सपीरियंस रहता है। तो यही थी भाई वीडियो, यहाँ तक वीडियो देखी इसको लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।